इतना सवाल इतम आफ्ताब अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। हम ममनून हैं कि आपने हमारी वेबसाइट अहले सुन्नत डॉट नेट पर याद फरमाया। आपने सवाल ये किया कि मेरी एक अजीजा, इसके मुंह में हर वक्त बदबू रहती, बराए कर्म कोई दुआ या वजीफा तजवीज फरमाए। जब से मैंने इसे बताया है कि वेबसाइट पर एक आलिम हर तरह के मसाइल का हल बताते, इस दिन से वो कहती है कि मेरा मसला भी हल करा दो, इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा। देखिए इनके मेरे नजदीक चंद जवाब। एक तो ये कि इस खातून को दमदासा और मिसवाक इस्तेमाल करने की आप तलकीन कीजिए। दमदासा एक दरख्त की बूटी है जो उमन औरतें अपने होठों पर और दांतों पर मलती हैं और ये भी बदबू को जायल कर देता। इसी तरीके से मिसवाक करना भी बदबू को जायल कर देता। और यकीनन आपने तजुर्बा किया होगा कि मुरब्बिजा जो टूथपेस्ट और ब्रश वगैरह इस्तेमाल होता है वो भी बदबू को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। और मेरी गुजारिश ये है कि तिब्बी तौर पर आप अगर ऐसा करें कि तिब्बे यूनानी की किसी दुकान से आप फिटकरी ले लीजिए और फिटकरी और काली मिर्च दोनों का एक सुफूफ तैयार कर लीजिए आप, और उससे रोजाना बतौर मंजन अगर वो अपने दांतों में लगाएं तो इससे भी गोया दांत की ये जो मुंह की जो बीमारी है जो दांतों में पैदा होती है वो इससे दूर हो सकती। दांतों की बीमारी की वजह से असल में मुंह में बदबू पैदा होती। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप जरा कागज कलम लेकर लिख लीजिए या जो मैं जवाब दे रहा हूं, या तो इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए और ये अमल किया करें। आपकी अजीजा, जब हम वितर की नमाज पढ़ते तो नमाज वितर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा के बाद पहली रकत में इज़ा जाअ नसरुल्लाह वाली आयत पढ़िए, यानी ये सूरत आप पढ़ें, और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद में आप तब्बत यदा वाली सूरत पढ़िए, और तीसरी रकत में जिसमें दुआ कुनूत पढ़ी जाती है सूरह फातिहा के बाद में कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास पढ़िए और उसके बाद दुआ कुनूत पढ़िए। आप इस वजीफे को हमेशा अपना लेंगी तो आप देखिए कि दांतों के तमाम अमराज से आपकी जान छूट जाएगी।